एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट लव। और आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माइन एंड माय बेबीज फेवरेट रेसिपी। मेरी 18 मंथ की बेबी है और उसको ये खाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और वैसे भी जो न्यू मम्स होती है ना, वो हमेशा यूट्यूब पे सर्च करती रहती है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे वेट गेन हो उनका, क्या उनके लिए हेल्दी हो, क्या उन्हें खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। इस तरीके की बहुत सी कन्फ्यूजन होती है जो मेरे साथ भी हुई, लेकिन नाउ आई एम एक्सपीरियंस और इतनी सारी स्टडी करने के बाद में अब मैं बता सकती हूँ कि आपको अपने बच्चे को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो चले चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कैरेट, 1 स्लाइस ऑफ पम्पकिन यानी कि कद्दू, और थोड़े से मखाने, और 100 ml मिल्क। इन सबको हम एक साथ कुकर में मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ होममेड देसी घी, आप कोई सी भी अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्राउन शुगर, आप चाहें तो यहाँ पे पाम जैगरी यूज़ कर सकते हैं। एक वेसल आने के बाद में आप इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लें। और आपको ये देखना है कि आपके बेबी किस कंसिस्टेंसी में खाता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मिल्क को ऐड कर सकते। मेरी बेबी 18 मंथ की है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। 9 मंथ के बेबी से ऊपर का जो भी बच्चा होगा वो ऐसा खा सकता है, लेकिन अगर आप 6 मंथ के बेबी को दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और आप लिक्विड बना लें उसको, ताकि उसको खाने में आसानी रहे। सो ब्यूटीफुल मॉम्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको और कोई अगर कोई डाउट है, या आपको कोई और रेसिपी पूछनी है, कुछ भी आपको सवाल करने हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।